उदयनगर से इंदौर की ओर जा रही राठौर ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर सबलगढ़ फाटे के पास पुलिया के नीचे जा गिरी, जिसमें 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि 5 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया, साथ ही 23 अन्य यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए उदयनगर शासकीय स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। घायलों की संख्या इतनी थी कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के सामने इलाज की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रबंधन के पास इतने डॉक्टर्स की टीम उपस्थित नहीं थी कि प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज दे सके। अस्पताल प्रबंधन के पास वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद घायलों के परिजन ही अपनी व्यवस्थाओं से इलाज कराने के लिए इंदौर देवास निकल पड़े। घटना की जानकारी लगते ही उदयनगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा था कि यात्री बस में क्षमता से अधिक यात्री बैठे हुए थे। उदयनगर का साप्ताहिक बाजार होने के कारण बस में काफी भीड़ थी। आखिरी बस होने के कारण यात्री बस के छत पर बैठे हुए थे। संवाददाता रवि पाटीदार की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय में टचिंग ग्राउंड